हाउस मिला नहीं है शेतमान वजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सारे भाइयों का ठीक है? सेहत से ठीक है? सारे भाई खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आप भाइयों को पता है 10-10 को कुरानदाजी करनी है। अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र है। बड़ा मैं परेशान था, अल्लाह पाक ने एक वसीला बना दी है। ऐसे जिनके मुनाफिक दोस्त हों या गद्दार हों ना, जो अपने दोस्त को आगे करके पीछे उसकी कमर में खंजर घुसेड़ दें या पीछे उसकी जड़ें काटने लग पड़े। खैर, जब तक अल्लाह मेरे साथ है ना, तब तक मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। ये मुनाफिक दोस्त जो मुझे आगे करके पीछे से जड़े काट रहे हैं या इसकी कमर लाग जाएगी, इनसे मेरा कुछ भी नहीं होता। खैर है, अल्लाह पाक का अगर हुक्म हुआ ना, मेरे रब ताला का कुछ भी नहीं होता, मैं अकेला ही सही हूँ। तो देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पहले हम लोगों ने उस गाड़ी का लगाया था, लेकिन मेम्बर बहुत कम आए हैं। मेम्बर बहुत तकरीबन अपने पास अभी 50 तकरीबन 1-2 मेम्बर ऊपर ही गए हैं। हम लोगों ने ये गाड़ी लगा दी है, उसमें हमें थोड़ा सा नुकसान था, हमने ये गाड़ी लगा दी है ताकि अल्लाह के हुक्म से हमें किसी किस्म का नुकसान ना हो। नुकसान तो खैर इसमें भी है, 50 मेंबर में दे, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। जहाँ इंसान का शौक पूरा, उधर नुकसान भी हो सकते। खैर है, फिर दोस्त अगर गद्दारी काट जाए कोई नहीं है, हम सबके फ्रेंड्स हैं इसके ऊपर। अभी मैं देख रहा हूँ, ये मैं देख रहा हूँ पैंट के साथ, ताकि जो भाई लेके जाएगा ना, जिसकी निकलेगी तो वह पेट्रोल के साथ मिटा देगा, लेकिन ताकि पक्का उन भाइयों को पता हो जाए फ्री कार की तरफ से आई है। तो ये गाड़ी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, यार आप सोच भी नहीं सकते, जिस तरह मेरी ख्वाहिश थी कि यार ऐसी गाड़ी हो जो इंसान अपने लिए पसंद करता है। आप मानेंगे नहीं, अभी इस गाड़ी के ऊपर मैं नौशहरा से होके आ रहा हूँ। नौशहरा गया भी हूँ, नौशहरा आया भी हूँ। मैं था, मेरे साथ 4 दोस्त थे, हम लोग नौशहरा से मोटरवे से होके आए हैं। इतनी जबरदस्त चलने की गाड़ी है, माशाल्लाह किसी किस्म की कोई आवाज नहीं है। इंजन इसका ठीक है, टायर इसके बिल्कुल ठीक है। इस गाड़ी को कराची तक लेके जाए, मैं लेके देता हूँ, ये गाड़ी को हम नहीं निकालेगी। इसके अंदर पेट्रोल डालते जाओ और चलाते जाओ, और पेट्रोल एवरेज बड़ी जबरदस्त है। हमें इस चीज का नहीं कंफर्म कितनी खाती है। ये गाड़ी आज सुबह मैंने खरीदी है, सिर्फ इसी वजह से खरीदी है यार, मेरी कमर ना लगे, मैं बदनाम ना हूँ या बेइज्जत ना हूँ, क्योंकि मैंने तारीख दी हुई है। 10-10 को मैंने तारीख दी हुई है, मैंने उस गाड़ी की तारीख दी हुई थी। अभी मसला यह है कि मेंबर कम हो गया, मैंने ये गाड़ी लगा दिया। जितने भी मेंबर है सब भाइयों का इत्माद में लिया है। जितने कमेटी के 50 मेंबर आए हैं, 50 के 50 को इत्माद में लिया। उन्होंने बताया भाई ये मजबूरी है, उन्होंने कहा जी, और मैं कुर्बान जाऊँ, सलाम है मेरे इन जो कमेटी के मेंबर भाई हैं। उन्होंने दूसरी बात भी की, उन्होंने कहा जी राजा भाई हम मुतमईन है, कोई मसला नहीं, आप कुरानदाजी करें ठीक है। सारे भाइयों ने इसमें हिस्सा लिया है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से परसों ये गाड़ी निकालनी है। डॉक्यूमेंट इसके कापी ट्रांसफर लेटर मेरे पास मौजूद है। गाड़ी चलने में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, अल्लाह के हुक्म से ये भी हमने इसका टूर को रख दिए हैं। इंशाल्लाह रब ताला को हुक्म हुआ, दस भाई इंशाल्लाह 10-10 भाई को दिन 12 बजे तक 10-10 को इंशाल्लाह इस गाड़ी का टाइम है। आप लोग इस गाड़ी में हिस्सा ले सकते हैं। इंशाल्लाह 10-10 को ये गाड़ी जाने वाली है। ये जो गाड़ी है ना, इंशाल्लाह अगर मेरे रब ताला का हुक्म हुआ ना, इसमें वाश करनी मैटरी है, फिर इसकी सारी हम लोग करवा के वाश करवा के ये गाड़ी आ जाएगी जी इंशाल्लाह 10-11-22 इंशाल्लाह अगर मेरे रब ताला का हुक्म हुआ। अगर मेरे रब ताला का हुक्म हुआ 10-11-22 के अगले महीने को ये गाड़ी हम लोगों ने इंशाल्लाह निकाल दी है। ये गाड़ी बेच दी है, ये वेटिंग पार्टी रूम में डाल दिया। इंशाल्लाह ये गाड़ी है दिन 12 बजे 10 तारीख को जिस भाई ने अभी भी कमेटी में हिस्सा लेना है। अब मैं यार इतना इसी तरीका मेरे बॉस ने, आपने करना ये है कि आपने जिस टाइम पाकिस्तान से आप लोग अगर पैसे भेज रहे हो किसी इजी पैसा वाले या मोबी कैश वाले के पास जा रहे हैं, या आप अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर, ये 00 आपने नहीं डालने, ये 00 आपने मोबी कैश वाले से नहीं डालने। जो मोबी कैश भेज रहा है, जैस कैश भेज रहा है, इजी पैसा से भेज रहा है, ये 00 नहीं डालने। डायरेक्ट अकाउंट नंबर लिखना है, इसके अंदर 1000 का ट्रांसफर हो जाए उसका स्क्रीन शॉट लेके ये नंबर है, इसके ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है। ये बल्कि ठीक है, व्हाट्सएप बात नहीं करना है,
एक इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना है सिग्नेचर, व्हाट्सएप करेंगे हम आपको आगे से टोकन बना के भेजेंगे और इंशाल्लाह आप अल्लाह के हुक्म से दिन बहुत कम रह गए, सिर्फ एक दिन रह गया, कल का दिन रह गया, परसों 12 बजे मैं सोया उठता हूँ इंशाल्लाह उठते साथ इसी गाड़ी के ऊपर इस गाड़ी को लेके पीरों के पास जाएंगे इंशाल्लाह इसकी कुरंदाजी करवाएंगे। जिस भाई की हक हिलाल की ये गाड़ी निकली वो भाई परसों इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन कुरंदाजी होगी, मंगल वाले दिन वो भाई गाड़ी लेने का हकदार है, मंगल को आ जाए, बुध को आ जाए, जुमरात को आ जाए, जिस दिन भी आएगा ये गाड़ी लेने का हकदार है। उस भाई का सामने पर्ची उठाएंगे, लीगल तरीका होगा, कोई अभी तक कोई टेंशन परेशानी नहीं हुई, कोई धोखा प्राप्त नहीं हुआ इंशाल्लाह 10 तरीक को ये गाड़ी दे रहे हैं। खैर है, रब ताला का हुक्म हुआ, थोड़ी सी मैंने सारे भाइयों से मदद किया, मदद इसी वजह से की है कि यार हमने सोचा कुछ और था पर हुआ कुछ और है, हम लोगों ने तो ये गाड़ी देना चाहिए थी लेकिन अभी 50 मेंबर आए उसमें मुझे बहुत ज्यादा लॉस है, वो भी दे दूं मुझे कोई मसला नहीं, जितना हमारा इतना बड़ा बिजनेस है चल एक दो गाड़ियां निकालना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन वक्त ये मैंने निकाल दिया गाड़ी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से दिन भर में 10,000-2,000 बाइक कंफर्म होगी ये डेट, इस इंशाल्लाह इससे ना कोई डेट आगे हो सकती है ना पीछे हो सकती है, अगर मेरे रब ताला का हुक्म हुआ 12 बजे तक टाइम है, 12 के बाद कोई टाइम नहीं है, 12 के बाद कोई मेंबर आता है 10 तारीख को, 10 तारीख मंडे वाले दिन अगर कोई पर्ची आएगी 12 बजे के बाद वो पर्ची हम उस गाड़ी में ऐड कर देंगे, मंडे वाले दिन 10 बजे तक अगर आप लोग आते हैं तो इस गाड़ी में आप हिस्सा ले सकते हैं, गाड़ी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, यकीन माने जैसे इंसान की ख्वाहिश होती है ना कि यार मेरे पास ऐसी चीज हो, यकीन माने ये जिस भाई के पास जाएगी एक बार याद करेगा, ये देखें आप सब लोग स्टार्ट कर देंगे जो जरूरतमंद भाई है उसकी ये गाड़ी निकले जो इसका हकदार है, और अल्लाह ताला ने ये गाड़ी उसी भाई की निकाली है जो उसका हकदार है, जो जरूरतमंद है इंशाल्लाह, किसी के लाख बुरा करने से भी ना कुछ नहीं होता, अगर किसी ने बुरा किया मेरा आई अभी मुझे दिन को बता रहा था दोस्त, वो कह रहा है कि तेरा फेसबुक वाला किसी बंदे ने हैक कर लिया है पेज, मेरा फेसबुक वाला पेज फ्री कार के नाम से फेसबुक पेज हैक कर लिया, यार ये करने वाले ठीक है या इन तरीकों से मेरा पेज हैक करने से या कोई इस तरह उस तरह की हरकत करने से क्या ये मैं गाड़ी देना छोड़ दूंगा, मैंने गाड़ी देनी है, मैंने अब भाइयों के लिए खोल दिए दरवाजे इसी वजह से खोले हैं, गाड़ी देनी है लाख बुरा भी करे ना, ये गाड़ी इस महीने देनी है नेक्स्ट महीने वो गाड़ी देनी है इंशाल्लाह, उस गाड़ी को पीछे इस वजह से किया मेंबर काम थे, वरना मैंने जो जुबान किया मैं जुबान से हटने वाला बंदा था, मैंने कहा था 10 तारीख को मैंने गाड़ी देनी है, मैं बड़ा परेशान था, अपने दोस्त के साथ भी मीटिंग किया, मैंने अपने दोस्त को एक ही बात कही कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं हक पे हूँ तो अल्लाह ताला मेरी मदद जरूर करेंगे, यार तुम लोग परेशान हो खैर है, नुकसान मर्दों पे आते हैं 2-3 लाख से कुछ भी नहीं होता, खैर है होने दो मैं दूंगा गाड़ी, मैंने वो कंफर्म किया था, फिर मेरे सारे दोस्त कहते हैं नहीं ये वो इतना और गाड़ी देते, मैंने कहा चलो और दे देते हैं कोई मसला ही नहीं है, हमने फौरन ये किया और सुबह अल्लाह खैर की आज सुबह मैं फजर की नमाज पढ़ी उठा अल्लाह ताला से दुआ की और चुप करके मोटरसाइकिल निकाला, सारे सो रहे थे सीधा दोस्त के पास चला गया और सोए हुए थे उन्होंने उठाया, मैंने कहा भाई रहो, मैंने कहा ये मसला, कहते हैं खैर है कोई मसला नहीं आ जा फलाने के पास जाते हैं, गए हैं उस भाई के पास उसने कहा जी ठीक है राजा आया तो कोई मसला नहीं, और मजे की बात है उसने अपनी कीमतें खरीद जो उसने खरीद थी उसने तकरीबन 2-3 महीने पहले खरीदी है, उसने इसकी बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करवाई है, टायर इसके न्यू डाले हैं, टायर इसके टायर बिल्कुल उसने न्यू डाले हैं, टायर उसने न्यू डाल के ना तो उसने स्टैम्प मेरे मुंह के आगे रखा है, कहता है जी देखे इसके टायर पीछे ना इसके टायर देखे बिल्कुल न्यू है, न्यू टायर है इसके, अगर कोई भाई लेगा ना मैं इस गाड़ी के इंजन की
और टायरों की, इंजन की और टायरों की, मेरे अंदाजे में इंशाल्लाह 5 साल इस गाड़ी के इंजन को कुछ नहीं होता और ज्यादा नहीं। तो ये जो टायर है, एक ये सर्दियों का महीना कुछ नहीं होता, एक गर्मियां भी निकाल देंगी, अगली सर्दियां भी निकाल देंगी। अभी इस गाड़ी को अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा नहीं तो 100 की स्पीड पे मैं मोटरवे पे भगा के आया। अभी ये देखिए मुझे आया फिर ये मोटरवे की चीजें पड़ी हुई है, ये चढ़ते हुए ली थी, ये वापस उतरते हुए, ये अपने इधर से ली। कोई किसी की टेंशन परेशानी नहीं है, वादा किया आपके भाई ने, आपका भाई मुकरने वाला नहीं है, धोखेबाज नहीं है, सिर्फ गाड़ी के पीछे करके ये लगा दिया और सारे अपने जितने भी कमेटी के भाई हैं मेंबर है सारों को मुतमईन किया, सारों को एतमाद में लिया। मैंने सारे भाइयों को ये भी बताया अगर किसी भाई को नहीं दिल आप छोड़ दो वो इस गाड़ी को, मैं अगले महीने को रंधानी कर रहा हूँ, आपने जो टोकन दिया मैं अगले महीने ऐड कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं जी आप करें, हमें इसी में शामिल करें। तो सलाम है सारे भाइयों को, उन्होंने एतमाद किया और उन भाइयों को भी सलाम है जिन्होंने एतबार करके हमसे टोकन लिए हैं। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपका भाई भी चलता रहेगा। मैंने आपको पहले भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई आज भी इधर है, 10 साल बाद भी इधर होगा। कोई किसी किस्म की टेंशन परेशानी, ये देखे इधर क्या लिखा हो, ये देखे क्या लिखा है, फिर मैं कहना खबर नहीं, अजमा लो किस्मत, कोई नुकसान नहीं है, गारंटी 100% है। इसी वजह से आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह 100% गारंटी दी है कि कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है, इसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है, आपके भाई ने इस वजह से गारंटी दी है। अगर आपके दोस्त या मेरे दोस्त जो है वो मेरे आगे मेरे मुखालफ हो गया या मेरी कमर में उन्होंने छुरा घोंप दिया या मेरी मुखालफत उन्होंने कर दी तो कोई मसला नहीं, गाड़ी मैं दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, रकम मेरी है, मैं अपना नुकसान खा रहा हूँ, मैं किसी का नुकसान तो नहीं खा रहा। जो मुझे कोई परेशानी हो इंशाल्लाह ये गाड़ी सवार वाले दिन, ये जो भाई आए हुए हैं टोकन जिनके आए हुए हैं, इन भाइयों ने हम पे एतमाद किया, इंशाल्लाह सवार वाले दिन इन भाइयों को ये गाड़ी मिल जाएगी। सवार वाले दिन अगर कोई भाई कमेटी में मजीद शामिल होना चाहता है, एक दिन रह गया, कल अल्लाह खैर की कल का दिन है, कल तो 12 रबीउल अव्वल है, सारे भाई अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला से कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिस टाइम आता है ना मैदान लगता है उस टाइम पता चल जाता है कौन अपना कौन पराया है, अगर कोई मुखालफत कर गया या कोई बुरा बंद है खैर है कोई मसला नहीं है, अल्लाह के हुक्म से ये देखे आपका भाई आपके लिए गाड़ी लेके आएगा। और 10 तारीख को अगर मैं डेट आगे करता ना सारे तब भी जितने भाई हैं जिन्होंने पर्चियां ली हैं वो भी दिल में दुआ कर रहे होंगे। जहरी बात है हर बंदे ने सोच के पर्ची ली है टोकन, हर बंदे ने किस्मत आजमाने के लिए, क्या तो कोई गरीब भाई है, अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया है, किसी के बच्चे इस गाड़ी में बैठ जाएंगे सर्दियों में वो मजदूरी कर लेगा, आगे ठंड है क्या तक किस वजह से ये मुझे नहीं पता, ये गाड़ी निकलेगी पता चलेगा और वो भाई आएगा इधर तो पता चलेगा यार वो किस कंडीशन का भाई है। और अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया, हम इतने नहीं है गुनाहगार बंदे हैं, दुनिया के घटिया तरीन इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला ने बस हमें अल्लाह ताला ने काम को करवाने लगे ना बस अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या बात अच्छी लगी है, अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया और अल्लाह ताला ने गिरने भी नहीं दिया, अल्लाह ताला ने हाथ थाम लिया क्योंकि हम हक पे थे, अगर हम हक पे ना होते तो हम गिरे होते। इन्होंने मेरे दोस्तों ने तो यही कहा होगा गिर जाएगा खैर है इसको पीछे कर दो, ये मुखालफत कोई भी नहीं होता, खैर है कुछ भी नहीं होता, जड़े अगर किसी ने काट भी दी है तो छोटी मोटी बातें जो है ना दिल पे नहीं लेनी चाहिए। तो सारे भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कमेटी के मेंबर बने चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री कार कमेटी के नाम से ये चैनल बनाया हुआ है, ये ऊपर लिखा भी है फ्री कार कमेटी, ये जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को बताएं राजा का चैनल है, इंशाल्लाह सारों से सब्सक्राइब करें। तो जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आप गाड़ियां चलती रहेंगी जब तक मेरी जिंदगी थी, पहले तो ये मैंने एक शुगर मेला बनाया था कारोबार नहीं था, अब ये मेरी जिद भी है, इंशाल्लाह कारोबार भी है जिद भी है शुगर भी है, चाहे मुझे नुकसान हो मैं अपनी जमीनें बेचूं जो कुछ मर्जी करूं, गाड़ियां मैंने हर महीने इंशाल्लाह गाड़ी देनी है और थोड़े से मेंबर ज्यादा हो गए तो महीने में 3 गाड़ियां भी देनी है, पहले 15 दिन बाद गाड़ी निकालनी है फिर उसके बाद 10-10 दिन बाद महीने की 3-3 गाड़ियां निकालनी है इंशाल्लाह अगर मेरे रब ताला का हुक्म हुआ। आप सारे भाई मेरे साथ बने रहेंगे आपको फायदा होगा, खुश रहें दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज।